नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं, चाहे लोग बारिश में जाएं या फिर धूप में। हमेशा ये परेशानी लोगों को परेशान करती है और हम आज बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में। और इस विषय में हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर गौतम मोदी। डॉक्टर साहिब पटना समेत पूरे बिहार के जाने माने एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। आज हम बात करते हैं एलर्जी के बारे में और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये एलर्जी ये क्या है और ये क्यों होती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब चैनल पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी तो अपने जीवन में डॉक्टर साहब ही कहलाते हैं, पर वस्तुतः आज डॉक्टर साहब नामक चैनल पर आना बहुत सुखद अनुभूति है। एलर्जी एक प्रकार की असामान्य प्रतिक्रिया है शरीर की, जिसमें सामान्य रूप से जैसे धूल, धुआं, फूलों के पराग, खाने पीने की चीज़ें और दवाई, जिनका इस्तेमाल हम अच्छे के लिए करते हैं, अपने शरीर की बेहतरी के लिए करते हैं, किंतु जब उन्हीं के संपर्क में आने से विषम प्रतिक्रियाएं शरीर में शुरू हो जाती हैं, जैसे कि दाने निकलना, चकत्ता होना, लालीपन आना, रिएक्शन होना जिसे कहते हैं, उस प्रक्रिया को एलर्जी का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें इसकी वजह की, तो वजह क्या दिखाई देते हैं और किसी के शरीर पे अगर ये समस्याएं हो रही है एलर्जी की, तो उसे कब समझ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल एलर्जी है या फिर अब जो ये एलर्जी बढ़ रही है तो अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सामान्य रूप से जो एलर्जी परिभाषित हम करते हैं कि अगर किसी को भी हमेशा सर्दी रह रही है, खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, त्वचा के ऊपर में खुजली हो रही है, लाल दाने निकल रहे हैं, चकत्ते निकल रहे हैं, या असामान्य रूप से किसी को बेहोशी हो रही हो, शरीर में सूजन हो रहा हो और कारण का पता न चल रहा हो, तब इसे एलर्जी मानते हैं। जब भी ये चीज़ आपके सामान्य जीवन शैली को बाधित करना शुरू कर दे, उस समय आप समझ लें कि आपको एक एलर्जी विशेषज्ञ की सलाह लेनी आवश्यक है और उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर दवाओं का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक करना है। जैसा कि आपने चकत्ते के बारे में बताया, तो चकत्ते बहुत तरीके के होते हैं और देखा जाता है कि लोगों की पीठ पे ये जो लाल चकत्ते होते हैं ये ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ऐसा क्यों? इसका सामान्य कारण तो मैं ये बता पाऊँगा कि पीठ एक ऐसा पृष्ठभूमि है हमारे शरीर का जिसे हम देख नहीं सकते हैं। हम सिर्फ या तो उसे शीशे में देख सकते हैं, हाथों से उसे महसूस कर सकते हैं, इसीलिए खुजली वहाँ ज़्यादा होती है। चूँकि एक बहुत बड़ी सतह हमारे शरीर पर है जो सपाट रहती है और कहीं कोई उतार चढ़ाव या रोक टोक नहीं है। दूसरी चीज़ की पीठ पर जब चकत्ते होते हैं तो उनका आकार बड़ा हो जाता है और उनमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कंघी, स्केल इत्यादि, पेंसिल का लोग इस्तेमाल करते हैं उसे खुजाने के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि लोग स्टील या फिर कंघी या फिर कुछ भी पेन पेंसिल जो भी यूज़ इस्तेमाल करते हैं पीठ पे, तो क्या वो करना सही है या फिर उससे कोई गलत प्रभाव हो सकता है? नहीं, वो सही तो इसलिए नहीं है क्योंकि खुजलाने के क्रम में यदि किसी स्केल का किनारा से आपके पीठ को खरोंच आती है या छिल जाती है तो वो एक दूसरे प्रकार की इंजरी या घाव का रूप ले सकता है। ऐसे परिस्थिति में अपने परिवार वालों का सहायता लें और पीठ में लगाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे एंटी एलर्जिक लोशंस आते हैं, जिनका इस्तेमाल करने से न सिर्फ खुजली और जलन कम हो जाएगी बल्कि चकत्ते भी ठीक हो जाएंगे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि दवाइयों के बारे में और बहुत सारी हमने बात की, लोगों को चकत्ते होते हैं जब, तो वो लोग गोलियाँ खा लेते हैं जो नॉर्मल एक दो दिन में ठीक हो जाता है। सडनली तो देखा जाता है कि त्वचा पर रेड रैशेस हो रहे हैं और वो दवाई खा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, फिर वो परेशानी फिर से होने लगती है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है ये रिया जी। और दवाओं और चकत्तों को अगर हम बांटेंगे तो इनके दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा ये है कि वो दवाई जिनका इस्तेमाल करने से चकत्ते ठीक हो जाते हैं उसे एंटी एलर्जिक दवाई कहते हैं, यानी एलर्जी को काटने की दवाई, जैसे सेट्रिजीन, लीवोसेट्रिजीन, मोंटेलुकास लीवोसेट्रिजीन, फेक्सोफेनाडिन इत्यादि। परंतु कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिनके रिएक्शन होने से चकत्ते होते हैं, जैसे कि दर्द की दवाई, बुखार की दवाई,
कुछ एंटीबायोटिक्स, पेट खराब में इस्तेमाल होने की दवाई इत्यादि। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लोग धूप में भी ज़्यादा जाते हैं क्योंकि काम के सिलसिले में लोगों को ज़्यादा जाना पड़ता है, तो धूप से होने वाली एलर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो किस किस तरह की एलर्जी हो सकती है? धूप में निकलने से जो एलर्जी होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण काफ़ी दिनों से चर्चा में है, वो है कि बदलते वायुमंडल, उसकी बनावट, ओजोन लेयर का हटना और धीरे धीरे सन रेज यानी सूर्य की किरण से त्वचा पर होने वाली हानिकारक प्रक्रियाओं का बढ़ोतरी। फोटोसेंसिटिविटी कहते हैं, यानी बहुत से लोग जो धूप में निकलते हैं उन्हें धूप में जाते के साथ खुजली होने लगती है, शरीर लाल हो जाता है। आप एक तरह से ये समझिए कि अक्सर जब हम लोग घड़ी पहनते हैं या जो भी हमारे कपड़े रहते हैं तो उन कपड़ों के ऊपर का जो बाहर रहता है वो थोड़ा सा गोरा रहता है और जितना हमारा हाथ का हिस्सा सूर्य की किरण में रोजाना प्रभावित होता है वो थोड़ा डार्क रहता है। ये सूर्य की किरण का असर है हमारे ऊपर। धूप में निकलने से बहुत लोगों को चकत्ते होते हैं, लाल हो जाता है, पसीना आता है, खुजली होती है, और इसके बचने का तरीका है कि या तो आप डायरेक्ट सनलाइट या सीधा सीधी धूप शरीर पर लगने से बचें, और कुछ SPF लोशंस आते हैं जिसे सन प्रोटेक्शन फिल्म कहते हैं, उनका इस्तेमाल अगर आप फेस पर, गले पर, हाथ पर करके धूप में निकलें तो उससे त्वचा को बहुत सुरक्षा मिलती है। एक एलर्जी, जैसे लोगों को एलर्जी हो रही है तो एक जिसको एलर्जी हुई है वो तुरंत क्या करे जो ताकि थोड़ी देर के लिए वो कम से कम रिलीफ महसूस कर सकते, जब तक वो डॉक्टर के पास ना जा पहुँच रहा है तब तक वो रिलीफ फील कर सके? कोरोना काल के बाद से चूँकि मानव जाति का सामना बीमारियों से बहुत ज़्यादा हुआ है, इसीलिए मेरी सलाह सभी के लिए ये रहेगी कि हर घर में जिस तरह से सर्दी बुखार की दवा रहती है, एंटी एलर्जिक दवा भी ज़रूर होनी चाहिए। तो कोई भी प्रकार की अगर एलर्जी की समस्या शरीर पर होती है, परिवार के किसी सदस्य को होती है, तो सबसे पहले आप एक एंटी एलर्जिक गोली दें जिससे कि होने वाली प्रक्रिया और तेज ना होकर के वहीं रुक जाए। वर्षों से हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रही सबसे सामान्य एंटी एलर्जिक दवाई एविल के नाम से उपलब्ध रहती है, जिसका सेवन तुरंत कर लेना चाहिए अगर किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या उत्पन्न होती है तो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो हमें जानकारी दी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ एलर्जी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर गौतम मोदी को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को एलर्जी हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर धूप में हम जा रहे हैं तो हमें SPF का इस्तेमाल करना चाहिए, लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अपना किस तरह ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।